इसी के साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है? एनसीडीएक्स पर हम 6750 तक का हाई देख चुके हैं, यूएस सोयाबीन $1600 के ऊपर निकल चुका है, और भारत भी अब यूएस से रिफाइंड सोया ऑयल इंपोर्ट करेगा और चाइना भी लगातार खरीद कर रहा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन अब यहाँ से 7000 के भी पार जाने के लिए तैयार हो गई है? जी बिल्कुल, 7000 के पार जा सकती है, क्योंकि देखिए अभी पीछे हमने देखा है कि एक महीने के अंदर अंदर 15 रुपए प्रति किलो तक भी भाव जो है बढ़ चुके हैं, तो अभी फिलहाल जो है वो कीमतें जो है वो लगातार तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और अभी फिलहाल कहीं से भी कोई ईज ऑफ आटा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी आगे चलकर होली, रमजान, ये सभी फेस्टिवल आने वाले हैं, तो इस पर भी खाद्य तेलों की डिमांड जो है और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, और मुझे लगता है कि कीमतों में सपोर्ट बना रहेगा, गिरावट की कोई भी अभी फिलहाल आसार बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और उधर से रूस और यूक्रेन के जो हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इसका भी असर पड़ सकता है, और फंडामेंटली देखा जाए तो ब्राजील में फसलें खराब हुई हैं, पाम प्रोडक्ट भी महंगा है, तो इन सभी स्थितियों के चलते फिलहाल दामों में तेजी बनी रह सकती है। और जहां तक सोयाबीन की बात है, सोयाबीन में ऑलरेडी तेजी आती हुई हमने देखी है, और अब ये तेजी और आगे बढ़ सकती है जी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।